हेलो फ्रेंड। तो आज हमारे पास है यूनिफोन का एक बनाना नया मॉडल है। ये नोकिया का एक मॉडल से कॉपी किया हुआ है, चाइनीज़ मोबाइल है। तो इसका आज हम रिव्यू और अनबॉक्सिंग करेंगे। इसका कंपनी ने दावी किया है कि 128 दिन का वारंटी है, रिप्लेसमेंट वारंटी। वो भी मतलब कुछ प्रॉब्लम होगा, दिक्कत वाली बात होगा तो चेंज कर देगा। तो इसका हम फीचर्स की अगर बात करें तो 2.4 इंच का डिस्प्ले है। इसमें सब तरह का टोटल कितना 22 रिलेबल लैंग्वेज सपोर्ट करेगा, मतलब हिंदी, बंगाली, गुजराती, मराठी, इंडियन, सारे तरह का। एक बढ़िया चीज़ है, वायरलेस FM दिया है, मतलब आपको हेडफोन कैरी करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। 16 GB तक मेमोरी एक्सपेंड करेगा, तो मेरे ख्याल से 16 GB इस टाइप मोबाइल के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। हाँ, 1000 mAh का बैटरी। ये थोड़ा सा मुझे कई जगह लगा कि बैटरी थोड़ा ज़्यादा देना चाहिए था। पावर सेविंग मोड दिया है जो एंड्रॉयड में बहुत बढ़िया। 1.3 MP का फ्लैश कैमरा दिया है, मतलब फ्लैश भी होगा। अच्छा, स्मार्ट ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग, मतलब इसके साथ और एक आपका बहुत बड़ा फीचर्स होता है कॉल रिकॉर्डिंग। कीपैड मोबाइल है लेकिन स्मार्ट भी है। इसमें GPRS भी है, वो आप भी है, मतलब आप नेट भी कर सकते हो। कीपैड मोबाइल आजकल कौन नेट करता है, लेकिन फिर भी आप कर सकते हो। गेम दिया है कुछ प्री इंस्टॉल्ड, लिखा है मेड इन इंडिया, ठीक है। तो चलिए इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। इसका रेट प्राइस की अगर हम बात करें, प्राइस कहाँ पर दिया है, प्राइस है 1599 रुपया, मतलब 1600 रुपया के आसपास, 1600 रुपया के आसपास प्राइस है, ठीक है। तो चलिए अब इसको अनबॉक्सिंग कर लेते हैं हम। वाह, चलिए डब्बा को, यह है इसका मोबाइल। वाह, बहुत ही बेहतरीन है। इसके हम बात करें इस टाइप की, तो थोड़ा सा बनाना जैसा, इसीलिए बनाना बोला है, थोड़ा सा मतलब कार्व है। लुकिंग ही गुड लुकिंग है, बहुत ही बढ़िया। वाओ, ये यहाँ पर पावर स्विच दिया हुआ है, देखिए 3500 का चार्जर, 3.5 mm का जैक है। बस इसका स्लाइड करने से शायद, हाँ स्लाइडिंग, देखिए इस फ़ोन का यही फैसिलिटी है, मतलब फ़ोन ऐसे किया, फ़ोन पिकअप हो गया, फिन कार्ड आउट हो गया। तो चलिए और डब्बे में क्या क्या है देखते हैं, फिर इसको चालू करते हैं। नॉर्मल सा डब्बा है, डब्बा के अंदर एक बैटरी दिया हुआ है 1000 mAh का, BL5G नोकिया टाइप बैटरी है जी। एक ईयरफोन दिया है, चलिए देखते हैं इसको ओपन करके क्या है इसमें। हाँ, नॉर्मल सा एक, लेकिन थोड़ा बहुत स्टाइलिश हेडफोन है, ठीक है। बिल्ड क्वालिटी अगर आपको पसंद आया तो ठीक है, नहीं तो मार्केट से लेना पड़ेगा। इसका एक चार्जर है, एडाप्टर, ठीक है। चलिए इसको अब हम साइड में कर लेते हैं। अब मेन टॉपिक पे आते हैं, मोबाइल पे। तो चलिए मोबाइल को हम खोलते हैं। इसका बिल्ड क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है, मतलब मोबाइल खोलने में बहुत ही दिक्कत आ रही है। देखिए 2 SIM 1 मेमोरी का जगह है, ठीक है। मॉडल है बनाना, सच्ची में बनाना जैसा ही दिख रहा है। तो चलिए इसको हम ऑन कर लेते हैं। अब बैटरी लगा दिया, अच्छा यहाँ पर तो इसका ऑन है यहाँ पर। चलिए फ़ोन ऑन हो गया। चैनल पे आप लोग नया है तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह का मैं अनबॉक्सिंग, रिव्यू, टेक, गेमिंग, कंप्यूटर रिलेटेड वीडियो लाता हूँ। तो चलिए सेट हमारा ऑन हो गया, ये देखिए ऑफ ऑन ऑफ ऑन, यही सबसे इसका बढ़िया बात है। चलिए इसका हम फीचर्स की बात करें तो देख लेते हैं, सब कुछ है। ऑडियो प्लेयर, कंटाक्स, FM रेडियो, FM स्टार्ट हो गया। ऑटो सर्च में देखता हूँ कुछ FM पकड़ता है या नहीं पकड़ता, यह ऐसे ही दिया हुआ है। नहीं, ये FM नहीं पकड़ेगा अभी, क्योंकि मैं जहाँ पर रहता हूँ वहाँ पर FM का कोई सुविधा तो है नहीं। ब्राउज़र दिया हुआ है, आप चाहे तो नेट कर सकते हैं, एंटर URL मार के। बाकी इसका कैमरा देखिए आप,
नहीं भाई, कैमरा ख़राब नहीं है, बहुत ही बढ़िया वाला कैमरा है। ठीक है, अगर आप देख पा रहे हो तो ठीक है। नहीं, कैमरा अच्छा है, क्वालिटी कैमरा क्वालिटी अच्छा है, 1.3 मेगापिक्सल का कैमरा है। ठीक है, मैं इस कैमरा का सैंपल आपको दे दूंगा। ठीक है, अभी तो मेमोरी नहीं है इसमें, इसीलिए बंद हो गया। तो बिल्ड क्वालिटी सही है, 3.mm का जैक है, सेट बढ़िया है। अगर आपको पसंद आया तो मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से खरीद सकते हो। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।